तो जैसा कि आप देख सकते हैं बिना बैटरी की गाड़ी चल रही है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ ये अनोखा ट्रिक कि बिना बैटरी का भी सिक्स अल्फा गाड़ी कैसे चलती है। तो पूरा वीडियो देखें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं, तो आप चैनल पर बने रहिए, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यही वो गाड़ी है जिसके बारे में मैं आज बताने वाला हूँ कि बिना बैटरी के गाड़ी कैसे चलती है। अभी तो बैटरी लगी हुई है और बिना बैटरी की कैसे चलती है गाड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये है अल्फा BS6 गाड़ी, और अल्फा BS6, प्याजो BS6, अतुल BS6, जितने भी तरह के थ्री व्हीलर गाड़ी BS6 है, डीजल गाड़ी, उसमें बिना बैटरी के गाड़ी कैसे चलती है। बहुत सारे लोग कहते हैं बिना बैटरी के गाड़ी चलेगी ही नहीं, क्यों नहीं चलेगी। बहुत सारे लोग कहते हैं बिना बैटरी के चलती नहीं है, स्टार्ट नहीं होती है, बैटरी रहेगी जब चलेगी, बैटरी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि बिना बैटरी के गाड़ी कैसे चलती है। तो वीडियो को पूरा देखें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर कर दें, और चैनल को भी लाइक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, सॉरी दोस्तों। तो चलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि बिना बैटरी के गाड़ी कैसे चलती है। तो सबसे पहले अपने बैटरी को, मार्केट में बहुत सारा के अफवाह उड़े हुए हैं कि बिना बैटरी का नहीं चलती है, ये गाड़ी ख़राब है, नहीं लेना चाहिए, बिना बैटरी की BS4 गाड़ी है। ऐसा नहीं है दोस्तों, BS4 गाड़ी भी बहुत अच्छी थी, BS6 गाड़ी भी बहुत अच्छी है। तो चलिए मैं इस गाड़ी को दिखाता हूँ कि बिना बैटरी के गाड़ी कैसे चलती है। तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट कर लें बैटरी लगा के, उसके बाद ही आप बैटरी खोल सकते हैं। तो गाड़ी न्यूट्रल है और गाड़ी को स्टार्ट करें। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों, स्टार्ट करो भाई, क्या कर रहे हो। चलो स्टार्ट हो गई, और स्टार्ट होने के बाद इस बैटरी को खोल लें। खोलने के बाद आप देखिए कि मेरा गाड़ी स्टार्ट है, बंद नहीं हुई है। और इसमें एक बात को ध्यान रखिए कि खोलने के बाद जो रेड वाला तार है उसको कस दें। खोलने के बाद ये तो ढीला हो रहा है, खोल रहा है बैटरी, और खोलने के बाद वो कस दें, नहीं तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगी चलते चलते। दिखाते हैं कि कैसे बंद होती है, वो भी दिखाऊँगा इस वीडियो में। तो ज़्यादा पेशेंस रखें और पूरा वीडियो देखें, तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि बिना बैटरी का गाड़ी हम कहीं भी कैसे ले जा सकते हैं। अल्फा BS6 गाड़ी में मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, उसको कवरिंग कीजिए, ठीक से वाला सोला तार को उसको कवरिंग कीजिए, बैटरी निकालिए गाड़ी से। उसको नीचे रखिए, बैटरी साइड में रखिए, वहाँ रखे साइड में। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने बैटरी को साइड में रखा दिया। अब देखते हैं कि गाड़ी चलती है कि नहीं चलती है। तो ये देखिए, ड्राइवर सबसे पहले गाड़ी को रिवर्स गियर ले रहा है। चलो भाई पीछे करो, गाड़ी हमारी पीछे हो रही है। तो आप जैसा कि देख सकते हैं पीछे हो रही है, और ये गाड़ी हमारी गाड़ी बंद हो गया। कैसे हो गई, ये बंद क्यों हुई। ये जो रेड वाली तार है जो कस रहा है, ये तार लूज हो गई थी इसलिए कस रही है। निकालने के बाद इसको टाइट कर लें, और बैटरी को निकालने के बाद इसको हमेशा याद रख कर टाइट कर लें। अब चलिए फिर से एक बार बैटरी लगा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखते हैं चला के गाड़ी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो सबसे पहले बैटरी लगा रही है, भाई लगाओ जल्दी, क्या कर रहे हो, बच्चे की जान लो क्या। तो ये देखिए बैटरी लग चुकी है, और ये हमारी गाड़ी स्टार्ट करो ब्रो। तो गाड़ी ये स्टार्ट हो गई। अब इसमें सबसे पहले आप देखिए कि रेड तार खोलने से गाड़ी कैसे बंद होती है, तो पहले वो सीन देख लीजिए, उसके बाद गाड़ी चला के दिखाएंगे दोस्तों। सॉरी, समय के लिए खेद है, आपका वेस्ट टाइम देने के लिए धन्यवाद, वीडियो को देखें। और ये देखिए तार लूज कर रहा है, अब देखते हैं गाड़ी बंद होती है कि नहीं होती है। गाड़ी बंद हो गया, अब उसको लगाइए, सटा के स्टार्ट कीजिए। तार ऐसे निकल जाएगा, हाँ निकाल दे, कवर कर दो, पलस वाला को उसको कवर से ढाकिए ना, हाँ बैटिक निकालिए गाड़ी। तो
जैसा कि आप देख सकते हैं बैटरी हम बाहर निकाल चुके हैं, अब चलाकर देखते हैं गाड़ी चलती है कि नहीं, उसके बाद आप भी कंफर्म हो जाएंगे गाड़ी चलती है कि नहीं, हॉर्न बजता है कि नहीं, हेडलाइट जलता है कि नहीं। तो सबसे पहले ये देखिए, चलो भाई गाड़ी को आगे बढ़ाओ, चलो ये देखिए आपका, आप देख सकते हैं। और दोस्तों एक सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़ वीडियो को, आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ ब्रो। आप लोगों का एक सब्सक्राइब हमको बहुत ही सपोर्ट करता है वीडियो बनाने के लिए, आपका एक सब्सक्राइब। तो आप जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी आगे पीछे हो रही है, ब्रेक लाइट और बैक गियर लाइट, रिवर्स गियर लाइट जिसे बोलते हैं, वो भी जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हॉर्न वगैरह बजा कर देखते हैं वो बजती है कि नहीं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें प्लीज़ ब्रो। और भैया जितने लोग भी हैं, हमारी बैटरी खुली हुई है, गाड़ी चल भी रही है, अब हॉर्न बजा कर देखते हैं। और ये देखिए क्लस्टर मीटर पर बैटरी खुला हुआ है इसलिए सिंबल जल रही है। चलो ब्रो अब हॉर्न बजाओ, चलता है कि नहीं देखते हैं। तो ये देखिए हॉर्न बज रही है, बैटरी नहीं है और गाड़ी चल भी रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, अब थोड़ा सा ये वीडियो भी देख लीजिए। एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये रेड वाला तार खोले, उसको बॉडिंग ना सके तो नहीं सकेगा, तार का जनरेटर खराब हो जाएगा, एसी वगैरह उठ सकता है। तो उसको अच्छी तरह से कपड़ा बांध दें या टेप मार दें, नहीं तो आपका बॉडिंग फटेगा, गाड़ी आगे पीछे होगी तो आपका एसी वगैरह उठ सकता है। सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखें, एसी वगैरह बहुत ही कॉस्टली आता है। तो चलिए आपको कुछ दिखाता हूँ, और कोई सवाल जवाब हो तो कमेंट जरूर करें। और BS6 के न्यू गाड़ी अल्फा के बारे में नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, इसके बारे में मैं कुछ अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ, गाड़ी में ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्याज वगैरह में, स्टार्टिंग वगैरह में क्या दिक्कत कर रही है। तो चलिए हम बैटरी का सवाल देते हैं और गाड़ी हम अपना फाइनल कर लेते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, कोई सवाल हो जवाब हो तो कमेंट जरूर करें दोस्तों, मैं आपका जवाब देने का कोशिश करूंगा। और चलिए हम अपना गाड़ी कंप्लीट कर लेते हैं और चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पर, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों।